देखो बेटा, इस सवाल में आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स दिया गया है, जिसकी दोनों प्लेटों का वोल्टेज दिया गया है। एक पे 300 वोल्ट है, एक पे -100 वोल्ट है, और ये 4 सेंटीमीटर अपार्ट है। इसका मतलब वोल्टेज का डिफरेंस है, थोड़ा सा बड़ा बना लें बेटा आपको समझाने के लिए। ये 300 वोल्ट की एक प्लेट है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं माइनस है, यानी कि वोल्टेज घट रहा है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर का है। आप जानते हैं कि अगर आपको वोल्टेज और डिस्टेंस दिया गया है, इसका मतलब है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, आप कह सकते हैं कि सर चेंज इन वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। पोटेंशियल ग्रेडियंट को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। वो पता चल जाए तो फिर किसी भी पॉइंट पे अगर हमको वोल्टेज निकालना हो कि वहाँ पे कितना होगा, वो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए फील्ड चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आपका वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो फील्ड चेंज यानी फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल आपका ये था, डिवाइड बाय डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर का। आप कह सकते हैं -400/4, यानी -100 वोल्ट प्रति मीटर की दर से आपका फील्ड चेंज हो रही है। ये प्लेट वन है, ये प्लेट टू है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वोल्टेज एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकेंड प्लेट, सेकेंड प्लेट से 3 सेंटीमीटर दूरी। तो बेटा यहां से यहां तक 4 है, जब सेकेंड से लोगे तो 3 मीटर की दूरी कौन सा पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, यही तो पॉइंट होगा 3 सेंटीमीटर। कहां से बेटा, कहां से, सेकंड से। हालांकि फर्स्ट से ये तो 1 ही सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। तो आपने ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां निकाली थी, तो इतनी दूर की इलेक्ट्रिक निकाल लीजिए। तो अब यहां पे आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं कि इस पॉइंट पे इस इतनी दूरी में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो आपने कहा सर पोटेंशियल गिरता चला जा रहा है, इस रेट से गिर रहा है, तो हम इतनी दूरी पे पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लें, कितना हो जाएगा, आपको मालूम है E इंटू डी हो जाएगा। इसी फार्मूले से, ग्रेडियंट से, V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो आपने कहा सर E मेरा -100 आया है, दूरी इधर से 3 सेंटीमीटर है, लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर से निकाल लें तो यहाँ से तो 1 सेंटीमीटर पे होगी। तो आप कहेंगे कि 0.01, एम आई राइट? तो आपका काम बन गया। ओह, उसकी जरूरत नहीं है, ये प्रति सेंटीमीटर ही थी। तो आपने कहा ठीक है, जब मामला सेंटीमीटर ही का था तो इधर से 1 सेंटीमीटर होगा, तो -1, क्योंकि ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा सेंटी सेंटीमीटर से, -100 वोल्ट मिल जाएगा आपको। यानी कि अगर यहाँ 300 वोल्ट है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 100 वोल्ट का लॉस हो गया, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, जो कि यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यहाँ से ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर की दूरी पे कितना होगा कि भाई साहब हमारे पास 300 था और ये 100 रुपये रास्ते में गिर गए, तो हमारे पास कितने रुपए बचे, 200 रुपये, यानी 200 वोल्ट। तो 300 वोल्ट था, यहाँ से यहाँ तक आने में पोटेंशियल डिफरेंस जो डेल्टा बी था वो आपका हो गया -100 वोल्ट। तो जाहिर सी बात है इतना आप कम कर देंगे, इस पॉइंट से 300 पॉइंट मालूम है या 300 वोल्ट है, 100 वोल्ट आपका यहाँ लॉस हुआ, तो घटा दीजिए। तो पी पॉइंट पे, जो कि सेकंड से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो 200 वोल्ट का होगा, यानी कि फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शंस। तो बेटा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, तभी आप इतनी बारीकी सीखेंगे, तभी आप कर पाएंगे। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर आपके पास रहता ही है, आप चाहें तो उससे संपर्क कर सकते हैं।